तो नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी यह सामने का फ्रंट गेट है, मेन गेट है, और अभी आप देख रहे हैं यह बाहर के नज़ारे हैं। देख सकते हैं स्टेशन बिल्कुल जो है वह रोड से लगा हुआ है, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखते हैं आप, यहाँ पे अशोक स्तंभ लगा हुआ है ये पूरा, और सामने आप पेट्रोल पम्प देख सकते हैं, और ये सामने ब्रिज वगैरह दिया गया है जो कि यहाँ से ट्रेन वगैरह जाती हैं। तो दोस्तों, यह है सामने का नज़ारा जो कि आपने पूरा देखा। चलिए अब अंदर से देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं अंदर की ओर, और आप देख सकते हैं अंदर से कुछ इस प्रकार का दिखता है। अभी हमने आपको बाहर का नज़ारा दिखाया था, भाई देख सकते हैं, और यह अंदर आने का गेट है जो कि मेन एंट्री गेट है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी आपने देखा स्लो मोशन में, हमने आपको दिखाया कि हमारे देश का नेशनल फ्लैग कैसे जो है वो लहर रहा है, और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखता है ग्वालियर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, आप ये जो पुरानी बिल्डिंग देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय पश्चात यह जो नवीनीकरण होने वाला है, और यहाँ पर जो टूट के नया स्टेशन बनने वाला है। तो अभी आप देख लें कि किस प्रकार से यह जो बना हुआ है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आपको ऐसा फिर से दोबारा देखने को ना मिले। यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए जाएंगे जो कि आपको वर्तमान में दिख रहे हैं, वह भविष्य में नहीं दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से पूरा एंट्री गेट है, और सामने इसके होटल एम्बियंस बनी हुई है जो कि यहाँ पर बनी है। आप अगर आते हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, बहुत अच्छी होटल है, आपको खाना पीना वगैरह सब अच्छा मिल जाएगा। और अगर कोई आप पार्टी वगैरह रखते हैं, छोटी मोटी पार्टी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर जो आप कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों इस तरफ दिखता है स्टेशन। अब हम आ गए हैं आगे की ओर, देख सकते हैं यह है जो है मेन एंट्री गेट है, मेन एंट्री गेट है जो कि अंदर जाने के लिए है। आप स्टेशन के अंदर इससे जा सकते हैं, और यह है जो है मेन गेट है। यहाँ पर दोस्तों निकलने के लिए एक अलग गेट दिया गया है, और एंट्री गेट अलग दिया गया है। और आप इस तरफ देखेंगे, अभी हम गए थे यहाँ पर, वहाँ पर जो आप रिजर्वेशन वगैरह कराना चाहते हैं तो आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। और सामने आप देख सकते हैं होटल एम्बियंस दिख रही है आपको, ये जो होटल एम्बियंस हमने भी आपको दिखाया था वह है, और सामने वहीं पर रिजर्वेशन होता है, और वहाँ पर पुलिस सुरक्षा बल भी है। और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग पूरा दी गई है, और वहाँ से गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं, वहाँ से देख सकते हैं आप आने जाने का पूरा रास्ता है। इस तरफ से आप आ सकते हैं, और यहीं से जो रोड जा रही है आगे की, और वहाँ से आप आगे निकल सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे कुल दो गेट दिए गए हैं सामने तरफ, और कुछ इसके पीछे का भाग भी है जो हमने आपको अभी दिखाया नहीं है, वह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और सामने देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर रेल का इंजन लगा हुआ है, देख रहे होंगे आप कितना प्यारा दिख रहा है। ये पुराना ज़माने का रेल का इंजन है जो कि यहाँ पर पहले बने हुआ था, चलता था, वही वाला है। अभी देखेंगे इसको हम पास में जाके कैसा दिखता है, लेकिन अभी ये सब बंद हो चुके हैं। और ये दोस्तों पूरा पार्किंग अलॉट है, जो कि आप पार्किंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी पार्किंग की व्यवस्था दी गई है, देख सकते हैं टू व्हीलर की अलग है और फोर व्हीलर की अलग है, लेकिन कुछ लोग जो बहुत जल्दी में होते हैं, वह जो फोर व्हीलर की जगह में टू व्हीलर भी खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि उनको मिल के यहाँ से सिर्फ जाना होता है। तो और ये पूरा पार्किंग लॉट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो खाली जगह पड़ी हुई है, जब कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोग यहाँ पे आकर रुकते हैं, कुछ लोग यहीं पे सो जाते हैं, और कुछ अपना काम करने वाले हैं रोज़मर्रा के, वो भी यहाँ पे आके सो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अक्सर स्टेशनों में आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो काम करने वाले होते हैं, वो यहाँ पर सोते रहते हैं, या फिर अपना गुजारा करने के लिए जो काम करने आते हैं, उनके पास कोई छत नहीं होती है, तो वो यहाँ से जगह में रुकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यह पूरा टू व्हीलर का है, यहाँ पर पूरी टू व्हीलर लगी हुई है पार्किंग से, जो कि अंदर काम करते हैं कर्मचारी उनकी भी है, और कुछ लोग जो है नॉर्मल खड़ी करने आते हैं, कहीं चले जाते। उन सभी लोगों की गाड़ी जो यहाँ पे खड़ी की जाती है पार्किंग में। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं यह इंजन जो बना हुआ है, बहुत पुराने ज़माने का है, जब छोटी लाइन चला करती थी तब उस ज़माने का इंजन दिख रहा है ये। जैसा कि आप देखेंगे, हर बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में आपको ऐसा इंजन देखने को मिल जाता है, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन की शोभा को बढ़ाता है और बताता है कि पहले ज़माने में यहाँ पर कैसी गाड़ी चलती थी और कैसी गाड़ी की शुरुआत हुई थी। तो उसका एक प्रतीक यहाँ पर रखा जाता है, ताकि पता चले कि स्टेशन कितना पुराना है, और यहाँ पर जो स्टेशन वगैरह में चलने वाली बोगियाँ थी, कौन सी थी, इंजन कौन सा चलता था, उस सबके बारे में बताया जाता है। चलिए अब हम पास जाके देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा लिखा इसको पढ़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी जो है इंजन की इस पर दी गई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पोस्ट करके उसको पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल वैन्स वगैरह जो है यहाँ जा रही हैं, या फिर हो सकता है दूसरी गाड़ी हो। और ये हमारा जो है मेन एंट्री गेट है ग्वालियर रेलवे स्टेशन का, जो कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं, साइड की ओर, किस साइड पर क्या देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, यह जो है भाई यहाँ से एग्जिट पॉइंट दिया गया है, आप यहाँ से निकल सकते हैं बाहर और अंदर भी जा सकते हैं। दोस्तों कोई भरोसा नहीं है, कोई भी कहीं से आ जा सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं बाहर जाने के लिए वहाँ से और आने के लिए अलग गेट अलग से दिया गया है। जब यहाँ पे गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं तब हो सकता है कि आना मुश्किल हो, लेकिन अक्सर यहाँ पे आने के लिए जाते हैं, और वहाँ से जो है एंट्री गेट है, यहाँ से एग्जिट पॉइंट है। और दोस्तों ये देख सकते हैं, यह जो है सेकेंड गेट है,
यहाँ से आप एग्जिट पॉइंट कर सकते हैं और एंट्री पॉइंट भी कर सकते हैं, जिसको जैसा सुविधा लगती है वैसा वह आ जा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टेशन के सामने बहुत बड़ी पार्किंग की व्यवस्था दी गई है, यहाँ पर ऑटो वाले की भी व्यवस्था दी गई है। और आगे तरफ चलेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ तरफ भी बहुत ज़्यादा खाली जगह है, जैसे कोई माल गाड़ी आती है या फिर उसमें कोई सामान वगैरह आता है जो आप लोड कराते हैं और या फिर आप कहीं और पहुँचाना चाहते हैं, तो इस साइड जो है वहाँ पर कमरा दिया गया है, वहाँ जाके आप करा सकते हैं अपनी बुकिंग और आपका सामान जो आपके घर तक पहुँच जाएगा या फिर घर से आ रहा है तो घर से यहाँ पर आ जाएगा और आप गाड़ी द्वारा उसको ले सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि बताया था कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह वह एरिया जहाँ से आप कुछ पहुँचाना चाहते हैं, कुछ लाना चाहते हैं तो वहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह रखी हैं, देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ रखी हैं जो कि किसी के घर से आई होंगी या फिर जाने वाली होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार की पूरी सुविधा आपको हर स्टेशन देखने को मिलती है जो कि ग्वालियर स्टेशन में दी गई है और वह इस साइड पर है। तो आप कभी आते हैं तो आपको ईजिली, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएंगी और आप यहाँ पर आसानी से जो है अपना सामान या अपनी जो भी चीज़ें हैं पहुँचाना चाहते हैं पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्री वाले टॉयलेट भी लगे हुए हैं, अगर आपको भी इमरजेंसी में जाना चाहते हो यहाँ जा सकते हैं। और यहाँ आगे मंदिर भी मिलने को जाएगा आपको। और देख सकते हैं यह रहा रेलवे सुरक्षा बल, जो कि दूसरा है, पहला मेन है ये, इसके बाद जो हम शुरू किए थे वीडियो वहाँ पे आपको देखने को मिला होगा छोटा सा एक, वो भी यहाँ का हिस्सा है। और ये पहला रेलवे सुरक्षा बल है जो कि यहाँ पे दिया गया है, मेन स्टेशन है। वो यहाँ देख सकते हैं ऑटो वगैरह खड़ी हुई है, अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं, ग्वालियर आते हैं और कहीं जाना चाहते हैं तो आपको रात को भी यहाँ पर आसानी से ऑटो वगैरह मिल जाती है। आपने देखा होगा कि अक्सर रात को कहीं जाते हैं तो स्टेशन का जो किराया बढ़ जाता है, ऑटो वाला किराया बढ़ जाता है और जो है टेम्पो वाला किराया नहीं बढ़ता है। अगर आप कभी जाना चाहते हैं रात में तो आप टेम्पो से जा सकते हैं, टेम्पो वाले नॉर्मल जो किराया लगता है वही किराया लेते हैं, लेकिन ऑटो वाले से जाना चाहते हैं ऑटो वाले रात का चार्ज बढ़ा देते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं। और ये हमारा दोस्तों देख सकते हैं मेन एंट्री गेट है जो कि हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ये भी बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, यहाँ पर भी कारें गाड़ी वगैरह सब आती जाती हैं और इसके अंदर से आपको जो है आसानी से सब चीज़ें मिल जाती हैं। और सामने आपको यहाँ पर मॉल मिल जाएगा, देख सकते हैं अभी ये नया मॉल खुला है जो कि टीवी मॉल है, देख सकते हैं इसमें इनबॉक्स वगैरह दिया है, आप पिक्चर देखना चाहते हैं या फिर अपने फैमिली साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं या कपड़े वगैरह लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, आपको हर चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी में और अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और इसके आसपास ही दोस्तों यहाँ पर होटल वगैरह भी हैं, जैसा कि हम मॉल देख रहे हैं, अगर आप मॉल में नहीं जाना चाहते हैं और होटल में खाना खाते हैं तो आपको होटल भी आजू बाजू देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी होटल हैं, ये चाय वगैरह भी आपको यहाँ आसानी से मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आप रात में खाना चाहते हैं तो रात में आपको यहाँ पे जो है दुकानें खुली मिलती हैं स्टेशन की, बाकी जगह पूरा बंद हो जाता है, लेकिन स्टेशन जो है भाई बंद नहीं होता है, सिर्फ एक या दो घंटे के लिए बंद होता है, बाकी जो चलता रहता है। और यहीं पास में आगे तरफ जाएंगे आप तो आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, साथ में बस स्टैंड भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइएगा और हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।